एक ट्रिक याद कर लेंगे कि राजा की साली को पटाकर वन में ले गए। तो राजा की साली यानी कि राजा की यानी कि राजगिरी, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? राजगिरी में। राजा की साली को दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में। पटाकर यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। वन में ले गए। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? कुंडल वन में हुई है। अब इनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं कि अध्यक्ष कौन हुआ है। जिस राजा की साली को पटाकर वन में ले गए थे तो वो राजा कैसा था? एक महान राजा था। तो पहली राजा कैसा था? महान। तो पहली के अध्यक्ष कौन हुए हैं पहली बौद्ध संगीति के? महान यानी कि महाकश्यप। और इसकी साली कैसी थी? तो उसकी साली सबासी दिन योग्य थी और काम योग्य थी। तो सावक मीर, दूसरी बौद्ध संगीति में सावक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति राजा की साली को पटाकर। तो पटाकर कब पटाए थे राजा की साली को? तो हमें याद है 30 तारीख को पटाए थे 30 तारीख को पटाए थे। तो राजा की तो पाटलिपुत्र कब पटाए थे? 30 तारीख को। तो तीसरी बौद्ध संगीति जिस पाटलिपुत्र में हुई है 30 तारीख को पटाए थे। तो मोगलिपुत्र 30 इसके अध्यक्ष हुए हैं तीसरी बौद्ध संगीति के। तो मोगलिपुत्र 30 तारीख को पटाए थे यानी कि मोगलिपुत्र 30 अध्यक्ष हुए हैं। राजा की साली को पटाकर वन में ले गए थे। तो वन में हाँ कौन था? वन में पहले ही अपने मित्र को हम भेज दिए थे वन में ताकि देख रेख करेगा वो घोड़े पर बैठकर वन में पहले ही चला गया था हमारा मित्र। तो वन में कौन था? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति अध्यक्ष कौन हुए? वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति क्योंकि सबसे नई बौद्ध संगीति है इसलिए वह चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो मित्र कैसे गया था? घोड़ा से, अश्व मतलब घोड़ा। तो अश्वघोष हुए हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वसुमित्र हुए, उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति संकाल के बारे में याद करने के लिए हम आपको बता दें कि राजा कैसा था। राजा महान था तो महाकश्यप हुए हैं अध्यक्ष। राजा इतना महान था कि ज्ञात रूप में उसका कोई भी शत्रु नहीं था, अज्ञात में भले ही शत्रु हो लेकिन ज्ञात रूप में कोई शत्रु नहीं था। तो किसके शासनकाल में हुआ है? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ है पहली बौद्ध संगीति, अजात शत्रु के शासनकाल में। राजा की साली कैसी थी? तो उसके गालों पे काले काले तिल थे राजा की साली के, तो इसलिए काला शोक जो है कि काला शोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। जब हम राजा की साली को पटा ले गए यानी कि पाटलिपुत्र में तीसरी हुई है तो 30 तारीख को पटाए थे। तो मोगलिपुत्र 30 अध्यक्ष हुए हैं। तब राजा की साली को पटा लिए 30 तारीख को तो उसके घर वाले शोक मनाने लगे राजा की साली को पटाकर जब वन में लेकर चले जाएंगे शोक तो मनाएंगे ही। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक के समय में। या यहाँ से अभी आपको तीन दिख जाएगा, यहाँ से भी आपको तीन दिख जाएगा। तो तीसरी बौद्ध संगीति आपको अशोक के समय में हुई थी। उसके बाद हम राजा की साली को पटाकर वन में ले गए थे ना, वन में जहाँ पर अपने मित्र को पहले से भेज रखा था, घोड़े से गया था। तो वहाँ पर साली को पटाकर वन में क्यों ले गए थे? इश्क करने के लिए ले गए थे चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई है। पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी, दूसरी 383 BC में, तीसरी 251 AD में और चौथी 102 AD में। सबसे पहले चार दिखेगा आपको, फिर तीन दिखेगा, फिर दो दिखेगा, फिर एक दिखेगा, उसके बाद 483 तो 83 इसमें भी लिख लीजिए, ये 483 तो ये 383, उसके बाद इसमें 51 आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इसको, और इसमें 02। तो 483 BC, 383 BC, 251 BC और 102 AD विशेषताएँ है कि तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म को लिखेंगे तो तीन भी बन जाएगा इसे, तो अभिधम्म पिटक जो है कि तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन हुआ है। शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ है। चौथी बौद्ध संगीति जो सबसे नई संगीति है सबसे लास्ट में हुई है, उसके बाद दो पंथों में बट गया। कौन कौन से दो पंथ हुए? एक हीनयान हुआ, एक महायान हुआ। तो हीनयान और महायान, हीनयान जो है कि अहिंसावादी है और महायान हिंसावादी है। लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति को हमने नहीं याद किया तो दूसरी बौद्ध संगीति में भी दो भागों में बटा था लेकिन छोटा सा विभाजन हुआ था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटा सा विभाजन हुआ था जिसमें अस्थावीर और महासंगिक दो छोटा सा विभाजन हुआ था, याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।